सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम टू बालाजी स्टडी अड्डा। नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर हुआ है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का, द्वितीय सेमेस्टर 2019 का प्रथम प्रश्न पत्र का, उसका जो है हम आज सॉल्यूशन देखेंगे जो आज की तारीख को 14 तारीख को हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा सबका पेपर कैसा हुआ है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न देखते हैं, बहुविकल्पिका की शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है, ये विचार जो है वो किसका है ये बताना है। तो ये विचार जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। मैंने जो 7 वीडियो बनाए थे उसमें से भी काफ़ी चीज़ें जो हैं आपके बहुविकल्पी में आपको हेल्प जरूर करी होंगी, क्योंकि मैंने ये रविंद्रनाथ टैगोर वाला जो बताया था उनके बारे में मैंने आपसे बताया था कि सेम यही चीज़ की संपूर्ण जीवन से हमारे जीवन का सामंजस्य वहाँ पर, अगर वो चीज़ आपने सुनी होगी तो ये आपका बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ होगा। अगला हमारा है गिजू भाई बघेला द्वारा लिखित पुस्तक जो है इनमें से कौन सी है, तो इन्होंने जो है वो प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक जो है वो लिखी थी। इसके अलावा इनकी दिवा स्वप्न पुस्तक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारा है कि पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली जो है वो किसने कहा है, तो किंडरगार्टन प्रणाली जिन्होंने दी थी उन्होंने ही कहा है, ये कहा है फ्रोबेल ने, इन्होंने जो है उसी से कंपेयर करके जो है इसको बताया था। अगला बहुविकल्पी देखते हैं। अगला हमारा कह रहा है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो है इनमें से क्या है, तो मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास को न हम इतनी प्रायोरिटी देते हुए सर्वांगीण विकास को जो है वो सही मानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला है शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है, तो शिक्षकों द्वारा स्वयं इस पर अमल करके जो है ये किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मनुष्य की जो अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, ये विचार किसका है, ये स्टेटमेंट मैंने सेम यही स्टेटमेंट स्वामी विवेकानंद में मैंने आपको केवल एक ही लाइन बताई थी उनके बारे में, और यही चीज़ मैंने बताई थी कि अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है, ये स्वामी विवेकानंद के अनुसार था, और यही देखिए पूछ भी लिया गया, जिसने देखा होगा उसका बिल्कुल गलत नहीं हुआ होगा, स्वामी विवेकानंद हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा था अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का जो प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, तो धारा 45 में जो है ये होता है। अगला प्रश्न 8 है हमारा कि महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में जो है वो आवश्यक है, तो उन्होंने जो है जो हस्तकला विषय है यानी कि आत्मनिर्भर बनाने पर जो है वो सबसे ज़्यादा जोर दिया था, इसीलिए जो है हमारा ये वाला ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 है शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है, तो मैंने प्रयोजनवाद में आपको बताया था प्रयोजनवाद दर्शन जो है वो एक ऐसी शाखा थी जो कि पूर्व सिद्ध जो सत्य होते थे इसको जो है वो स्वीकार नहीं करती थी, तो कहीं ना कहीं वो जो अनुभव है उसी पर आधारित होती थी, अनुभव केंद्रित हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 है हमारा कि शिक्षा जो है, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि अनुभव से रिलेटेड ही जो विलियम जेम्स थे इन्होंने जो प्रयोजनवाद है उसको जो है नाम भी दिया था, क्या नाम दिया था, अनुभववाद, अनुभववाद जो है वो विलियम जेम्स ने प्रयोजनवाद को जो है वो नाम भी दिया था, तो उससे भी जो आपके उत्तर की पुष्टि होती है। अगला है प्रश्न 10 की शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था, तो ये जो है वो लॉर्ड मैकाले ने दिया था, इनका ये था कि आप उच्च जो वर्ग है उसको शिक्षित कर दें और निम्न जो वर्ग है उनको छोड़ दें, तो उसी पर आधारित था। अगला है हमारा 11 की ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है, वो हमारा अनौपचारिक शिक्षा होता है, ऑप्शन 3 जो है आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा हम इतनी फास्ट आपको सभी आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है हम और जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा जो है आपको मैटर जो है वो प्रोवाइड करा सकें। अगला प्रश्न 12 है हमारा कि सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, ये विचार जो है वो किसका था, तो ये विचार जो है वो फ्रोबेल का था, ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 है हमारा कि बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था, तो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय था, ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 है कि सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का जो सुझाव है वो किसने दिया था, तो ये जो है वो कोठारी आयोग ने दिया था, ऑप्शन 3 जो है आपका सही हो जाएगा। और अगला और इस वीडियो का लास्ट बहुविकल्प ये है हमारा जॉन डीवी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, तो मैंने आपको बताई थी इनकी सबसे फेमस पुस्तक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, तो बिल्कुल भी गलत आपका नहीं हुआ होगा। तो
टोटल 15 बहुविकल्पी में से आपके कितने प्रश्न सही रहे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। चलिए बात कर लेते हैं अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। अति लघु में कुछ हमारे जो स्टेटमेंट वाले सिंगल सिंगल वर्ड उनके हम उत्तर जान लेते हैं, बाकी जो लेंदी है उनको हम छोड़ देंगे। तो प्रश्न 16 है हमारा, बुनियादी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो ये जो है वो महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। इसी को जो है वो नए तालीम की शिक्षा भी कहा जाता है। 1937 में जो वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था उसी में जो है ये बुनियादी शिक्षा की बात की गई थी। अगला है हमारा NCTE से संबंधित, उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ से होता है? तो देखिए NCTE के अगर मुख्यालय की बात करें तो न्यू दिल्ली में है, परंतु यहाँ पर उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जा रही है तो उत्तर प्रदेश के अधिकतर कार्य जो है वो लखनऊ से ही संचालित होते हैं। इसमें मेरे प्रश्न में पूरी तरीके से मैं श्योरिटी नहीं कह सकता क्योंकि ये जो उत्तर है ये उनके द्वारा जो मान्य होगा वही सही होगा, तो पर मेरे अनुसार मुझे जो लगा वो मैंने आपको बता दिया। आपके अनुसार क्या होना चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला है ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये जो है वो ग्राम प्रधान होता है, ग्राम प्रधान हमारा हो जाएगा। अगला है बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो है वो क्या होता है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य मैंने आपको बताया था, सत्य की खोज करना या निर्वाण की प्राप्ति करना। अगला प्रश्न 20 है हमारा, बुनियादी शिक्षा का अर्थ बताइए। तो बुनियादी शिक्षा मैंने अभी ऊपर आपको बताया 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन में आया था, इसी को नई तालीम की शिक्षा भी कहते हैं। मुख्य इसका उद्देश्य आप ये लिख सकते हैं या अर्थ के सेंस में ये लिख सकते हैं कि सभी को जो है वो आत्मनिर्भर बनाना। अगला प्रश्न 21 है, छात्र छात्राओं में मूल्यों के विकास हेतु कौन कौन से जनसंचार के साधन हैं? तो जैसे रेडियो हो जाएगा, समाचार पत्र है, किताबें हैं, सिनेमा हैं, तो इस प्रकार से आप कोई भी जो है वो चार यहाँ पर लिखा है कि कौन कौन से, तो कोई भी जो है आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 22 है कि भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? तो भूमंडलीय ताप वृद्धि जो है वो ग्लोबल वार्मिंग जो है उसी से रिलेटेड होता है। जो हमारा पृथ्वी का औसत तापमान होता है उसमें जो वृद्धि होती है वही जो है इस भूमंडलीय ताप वृद्धि को दर्शाता है। अगला है कि नहीं चार मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। तो मानवीय मूल्य में हमारे नैतिकता, परोपकार, न्याय, अहिंसा, दया, ये सभी आ जाते हैं, तो आप कोई भी चार लिख सकते हैं। अगला है जल संचयन का मूल सिद्धांत क्या है? तो मूल सिद्धांत यहाँ पर अप्रोप्रिएट कोई आंसर देना जो है वो उचित नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक थ्योरी में पूछा है, ऑप्शन के तौर पर नहीं। तो देखिए एक जल संचयन से संबंधित एक सिद्धांत था, उसमें यह बताया गया था कि जल जो है वो सभी लोगों के लिए है, चाहे वो पशु पक्षी हों, जंतु हों, पेड़ पौधे हों, तो ये भी हमारा सिद्धांत होता है। ये जो है वो जो आयोग है उसके अनुसार ही जो उत्तर सही मान्य होगा उन्हीं के अनुसार जो है वो सही होगा। मेरे अनुसार जो मुझे लगा वो मैंने आपको बता दिया। अगला है जल प्रदूषण को दूर करने के उपाय, तो आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया? तो देखिए मुख्य रूप से जो है वो विद्या, ज्ञान तथा विनय जो है इन अर्थों में किया गया था, परंतु इसके अलावा और भी बहुत से जो है वो आपके अर्थ देखने को मिलते हैं, परंतु मुख्य रूप से विद्या, ज्ञान और विनय जो है आदि अर्थों में किया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है हमारा बालिका शिक्षा का आशय, तो आप लिख सकते हैं अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य भी हो जाएगा, दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य, ये सभी हमारे थ्योरी पर ही आधारित हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमारे सारे अति लघु सेक्शन और बहुविकल्पी सेक्शन के जो है वो प्रश्न समाप्त होते हैं। आपका पेपर ओवरऑल कैसा रहा जरूर बताइएगा, टोटल कितने प्रश्न आपके सही रहे। इसके अलावा यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।